मध्य प्रदेश की और देवास की बात कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज देवास पहुंचेंगे, लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में शामिल होंगे और आनंद भवन पैलेस के चतुर्मास समारोह में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करने वाले, शिलान्यास भी आज होगा। संत श्री रावतपुरा सरकार का भी लेंगे आशीर्वाद। तो देवास दौरे पर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अलग अलग कार्यक्रमों में आज वो शामिल होने वाले हैं। संत श्री रावतपुरा सरकार का भी आशीर्वाद लेने आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। देवास दौरा बेहद महत्वपूर्ण, लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। उसके अलावा आनंद भवन पैलेस के चतुर्मास समारोह का भी हिस्सा होंगे सीएम। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देवास से खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज देवास दौरा है, लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके अलावा आनंद भवन पैलेस के चतुर्मास समारोह में भी हिस्सा लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कई विकास कार्यों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इसके अलावा आपको बता दें, संत श्री रावतपुरा सरकार का भी लेंगे आशीर्वाद। देवास दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको ये भी बता दें कि लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आनंद भवन पैलेस के चतुर्मास समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। संत श्री रावतपुरा सरकार का भी लेंगे। प्रताप ठाकुर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवास से जुड़ गए हैं। प्रताप, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव देवास दौरे पर है, कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले, भूमि पूजन करने वाले हैं, क्या कुछ पूरी डिटेल? जी हाँ, आज लगभग 6:30 बजे शाम को सीएम यादव जो है देवास पहुंचेंगे। वो लगभग 2.5 से 3 घंटे का उनका यहाँ पर कार्यक्रम है और उस दौरान जो है यहाँ पर जिला अस्पताल में मेटर्निटी 100 बेड का हॉस्पिटल मेटर्निटी विंग की बनकर तैयार जिसका वो लोकार्पण करेंगे। और साथ ही लघु उद्योग भारती का जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें की उद्योगों को लेकर जो तमाम योजनाएं हैं उनका भी जो है सीएम यादव उसमें उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और लगभग 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर रुकेंगे। और इसके अलावा भी कई तमाम योजनाएं हैं जिनका जो है सीएम यादव के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप तमाम जानकारी देने के लिए।